हेलो स्टूडेंट, आई एम राज कमल एंड टुडे वी आर लर्न लेसन टू ब्लॉग वर्सेस वेबसाइट। तो गाइस, ब्लॉग वर्सेस वेबसाइट क्या होती है इसके बारे में हम लोग जानेंगे और इसमें क्या डिफरेंट है ये चीज हम लोग समझने वाले हैं। तो गाइस, वर्डप्रेस की जो वेबसाइट डिजाइनिंग का जो कोर्स है ये लेसन टू है। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा आपको कि व्हाट इज ब्लॉग, ब्लॉग क्या होता है। तो गाइस, ब्लॉग को यहाँ पे छोटा सा हम लोग हिंट ले लेंगे ताकि ब्लॉग हमको लोगों को थोड़ा सा आसानी समझ में आ जाए। गाइस, ब्लॉग एक टाइप की वेबसाइट ही है जिसमें कंटेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है सबसे पहले आपको ये दिमाग में आ जाएगा। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है कि हर बार एक नई चीज ऐड होती हो जहां पे वहां पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है। मतलब कि ब्लॉग जो होता है, ब्लॉग में हर बार कुछ ना कुछ नया आपको देखने को मिलेगा। ओके, ब्लॉग में हमेशा कुछ ना कुछ नई चीजें ऐड होती है। और गाइस, ब्लॉग की कॉन्टेंट जो होता है ये, इसमें जो ब्लॉग के कंटेंट होते हैं इसको पोस्ट बोलते हैं। ठीक है, ब्लॉग पोस्ट हम लोग इसे बोलते हैं। ओके, अब मेरे ख्याल से इतना समझ में आ गया। अब चलते हैं हम इनके डिफरेंट के बारे में। गाइस, ब्लॉग और वेबसाइट, हमारे पास दो चीजें हैं, ब्लॉग और वेबसाइट। ब्लॉग में क्या अंतर होता है, डिफरेंट वेबसाइट में क्या डिफरेंट होता है। तो फर्स्ट अगर हम लोग अगर वेबसाइट ब्लॉग की बात करें तो ब्लॉग, अभी जस्ट मैंने कुछ टाइम पहले बताया कि ब्लॉग जो होता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यूज करता है। ठीक है, इसमें हर एक जो कंटेंट होता है हमेशा नया ऐड होता है। ठीक है, हर एक बार इसमें एक नया कंटेंट ऐड होगा। ठीक है, लेकिन गाइस वेबसाइट में ऐसा नहीं होता। वेबसाइट में कोई जरूरी नहीं है कि हर बार एक नया कंटेंट ऐड ही हो, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। अगर इसमें क्रोनोलॉजिकल जो ऑर्डर अगर यूज होता है तो सिर्फ और सिर्फ पोस्ट में, मतलब ब्लॉग का जो पेज होता है, क्योंकि वेबसाइट के अंदर ब्लॉग के एक अलग से पेज हो सकता है, तो उसके अंदर क्रोनोलॉजिकल यूज होता है। जैसे गाइस, अगर मैं एग्जांपल के लिए बताऊं, अगर कोई एक बिजनेस वेबसाइट है, कोई बड़ी सी वेबसाइट है, अगर आप उस बिजनेस वेबसाइट पर जाते हो किसी कंपनी के, उस कंपनी की वेबसाइट पर देखोगे तो उसके जो डेटा है या तो उसके जो कंटेंट है वो डेली अपडेट नहीं होते, या तो डेली चेंज नहीं होते, या तो उसमें डेली कुछ ना कुछ नया ऐड नहीं होता है। लेकिन गाइस, ब्लॉग की जो वेबसाइट होती है उसमें डेली, या तो हर घंटे, या तो हर मिनट, या तो हर एक दिन, या तो हर एक हफ्ते, जैसे भी ब्लॉग की वेबसाइट हो वहाँ पर अपडेट होती हो, लेकिन हर दिन ब्लॉग में कुछ ना कुछ नया अपडेट होता है, लेकिन वेबसाइट में ऐसा नहीं होता है। अब बात करते हैं, अच्छा, वेबसाइट की जो कंटेंट राइटिंग है ये हमेशा पर्सनल ब्लॉगिंग के लिए की जाती है। ठीक है गाइस, अच्छा, पहले क्या होता था, ब्लॉग जो बनाया गया था, ब्लॉग का मतलब यही था कि ये पर्सनल ब्लॉगिंग के लिए किया जाती था। मतलब कि अगर कोई आपके जो विचार हैं आप उसको ब्लॉग में लिख देंगे। ठीक है, तो पता है जब लोगों के जो विचार हैं, जब लोगों ने अपने ब्लॉग में लिखना शुरू किया तो उस पर ट्रैफिक आना बहुत ज़्यादा शुरू हो गई। गाइस, जब जहाँ ट्रैफिक आती है तो गाइस वहाँ पे बिजनेस स्टार्ट होता है, क्योंकि जहाँ भीड़ जमा होती है वहाँ पे फिर दुकान, तो एक दो दुकान अगल बगल गोलप्पा चाट फुल्की के तो लगने तो शुरू हो जाएंगे। तो गाइस ऐसे ही हुआ, जब ब्लॉग पे जब बहुत ज़्यादा भीड़ आने लगी ना, तो कंपनी ने देखा कि यार इतनी ज़्यादा भीड़ आ रही है, अच्छा तो क्यों ना कुछ हम लोग ऐसा करें कि इस ब्लॉग पर ही कुछ जुगाड़ करके पैसे कमाए जाए। उन्होंने क्या किया, ब्लॉग पर एडवर्टाइजिंग करना शुरू कर दिए। तो जो वेबसाइट की जो लिंक वगैरह है, जो वेबसाइट की जो भी एडवर्टाइजिंग हुआ ना, तो वो सब ब्लॉग पे करना शुरू कर दिया उन्होंने। अब क्या हो गया गाइस, ये ब्लॉग जो था पर्सनल ना होके अब ये क्या हो गया कि कॉमर्शियली हो चुका था। अब ये लोगों के बीच में पॉपुलर हो चुका था और लोग अब इससे पैसे कमा रहे हैं। ठीक है, हालांकि इसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यूज होता है, तो हर बार एक नया नया पेज, हर एक नया पेज इसमें ऐड होता है। ठीक है, हर एक नया आर्टिकल, क्योंकि इस पर डेली ट्रैफिक आती है और डेली कुछ ना कुछ नया जब ऐड होता है तो डेली कुछ ना कुछ लोग पढ़ने आते हैं। लेकिन गाइस अगर बात मैं करूं वेबसाइट में, तो वेबसाइट क्या है ना, सिर्फ और सिर्फ ये क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब को रिप्रेजेंट करता है, और इसमें HTML से जावास्क्रिप्ट पैथन PHP इस सब के मिक्सअप से, एक जो इन सब का जो कोडों का मिक्सअप से एक वेबसाइट तैयार हो जाती है। ठीक है, अब लोग नेक्स्ट समझते हैं गाइस, ब्लॉग वर्सेस वेबसाइट। अब गाइस अभी जैसा कि हम लोगों ने जस्ट ऊपर ही समझा, अभी रिसेंटली मैंने आपको ये चीज बताई थी कि हर बार एक नया इसमें ऐड होता है। ठीक है, हर बार एक नया कंटेंट इसमें ऐड होता है ब्लॉग में। ओके, तो अब हर बार एक नया कंटेंट ऐड होता है तो इसमें जो भी रिसेंटली जो पब्लिश की जाती है, हर बार एक नए आर्टिकल्स को ऐड करने को क्या कहते हैं, एक फीड फॉर्म में ये ऐड होता जाता है। ठीक है, ये जो फीड फॉर्म होता है इसका हम लोग आगे चल के यूज मैं बताऊंगा, लेकिन अभी इस वीडियो में तो नहीं, मैं बताऊंगा कैसे ये फीड फॉर्म में ऐड होता है, तो इसके क्या बेनिफिट मिलते हैं, क्या कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जरूर समझेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें ब्लॉग के, जो कभी मैंने जस्ट स्टार्टिंग में बता दिया था, जबकि
जो ब्लॉग होते हैं, ब्लॉग में वेबसाइट की चीजें नहीं हो सकती, ठीक है, लेकिन वेबसाइट में ब्लॉग की चीजें हो सकती हैं। मतलब ब्लॉग वेबसाइट के अंदर ब्लॉग लिखा जा सकता है, लेकिन ब्लॉग के अंदर वेबसाइट की चीजें नहीं लिखी जा सकती। ओके, तो अगर वेबसाइट के अंदर अगर ब्लॉग की चीजें लिखी जा रही हैं, तो मतलब ये हो गया कि ब्लॉग के अंदर उसकी लिखी जाती है, तो ब्लॉग के लिखने से क्या बेनिफिट होता है कंपनियों को? तो कंपनियां क्या करती हैं कि पोस्ट उस पर लिखना शुरू करती हैं, जिसकी वजह से पोस्ट पे ट्रैफिक आता है। जब पोस्ट पे ट्रैफिक आता है, तो जो भी कस्टमर आता है, पोस्ट पढ़ता है, तो उसके ऊपर जो हेडर में उसके होम पेज, कॉन्टेक्ट और भी सारी चीजें लिखी गई हैं, तो वो चीज वहां पे शो करती है। तो जैसे अगर मैं एग्जांपल के फॉर एग्जांपल अगर मैं लूँ, कोई कोई ऐसी वेबसाइट है जो कि होस्टिंग प्रोवाइड करती है, ठीक है, अब उसने पोस्ट लिख दिया कि आप कैसे हो कैसे किसी वेबसाइट को होस्ट करेंगे। आपने सर्च किया गूगल पे और जाके उसके पोस्ट को पढ़ा। अब आप उसने क्या किया ना कि अपने ही बीच अपने वेबसाइट का लिंक भी दे दिया वहां पे कि इस तरह से जाके इस साइट पे जाके यहाँ पर अपना कंटेंट या तो अपनी फाइल रखिए और आपकी वेबसाइट होस्ट हो जाएगी, ठीक है, cPanel वगैरह बनाइए, cPanel में जाइए और वहां से होस्ट कर लीजिए। अब सब कुछ वहां पे जब उसने लिख दिया, तो जैसे आपको वहां पे फोटो और पिक्चर वहां पे लिखा मिला, आपने सेम उसी तरह प्रोसेस कर दिया। अब क्या गाइस, उनकी जो अर्निंग थी अब वो दुगनी हो गई, अर्निंग ऑटोमेटिक बढ़ गई। ओके, तो गाइस अभी मेरा कहने का मतलब सब यहाँ पे तात्पर्य यही है कि वेबसाइट के अंदर जो है ब्लॉग लिखी जा सकती है, ब्लॉग का एक अलग से पोस्ट हो सकता है। अच्छा, और ब्लॉग को हमेशा कोई ना कोई इंडिविजुअल आदमी रन करेगा, ठीक है, ये कभी भी बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन से रन नहीं होता, ज्यादातर ये स्मॉल ग्रुप और कोई पर्सनल बंदे के द्वारा ही ये आपका रन किया जाता है, ठीक है। ब्लॉग को हमेशा कोई पर्सनल बंदा, जैसे अगर आप भी ब्लॉगिंग करते होंगे तो आप बस सिंपली अपने उंगलियों का यूज करते हुए अपने कॉन्टेंट को राइट कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको जो भी आपकी जो इच्छा आया, तो जो भी आप लिखते हैं, जो भी आपने पढ़ाई की, वो सारी चीजें वहां पे ब्लॉग के रूप में लिख लेते हैं। तो किसी पर्सनल बंदे और किसी छोटे ग्रुप के द्वारा ये सब चीज बनाई जाती है, लेकिन इस वेबसाइट में ऐसा नहीं होता। वेबसाइट हमेशा इसके डिफरेंट होता है, ठीक है, वेबसाइट हमेशा किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये चीज चलाई जाती है। ओके, अच्छा, यहाँ पे मैंने एक चीज आपको नहीं बताया कि वेबसाइट में जो पेजेस हो गया था होते हैं, अच्छा, कुछ चीजें उसमें फिक्स हैं कि होम पेज होगा ही, अबाउट अस का, कॉन्टेक्ट अस का, ठीक, ये कुछ पेज हैं जो कि फिक्स होते हैं। अभी मैं आपको आगे आपको बता दूंगा कि वेबसाइट के कुछ चार जो पेज होते हैं वो कौन कौन से होते हैं जो फिक्स होते हैं कि वो वेबसाइट में होना ही चाहिए। ओके, तो कई इस वेबसाइट में होम पेज, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, ये सारे कुछ पेज हैं जो कि फिक्स हैं कि वो तो होने ही होने चाहिए। ओके, क्योंकि वेबसाइट में और भी बहुत सारे कंटेंट होते हैं, मल्टीमीडिया, इमेज, ठीक है, बहुत सारी कुछ चीजें होती हैं। लेकिन ब्लॉग में ये जरूरी नहीं है कि ब्लॉग में आपका होम पेज, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट, इस सारे पेज भी हो यहाँ पे। ओके, अब कई हम लोग समझते हैं कि वेबसाइट के मेन मेन पेज क्या है। तो कई वेबसाइट का पहला मेन पेज अगर मैं बात करूँ तो होम पेज है, ठीक है, होम के बाद कॉन्टेक्ट अस है, कॉन्टेक्ट अस का तो पेज होना ही चाहिए, उसके बाद आता है अबाउट अस का, अबाउट अस का तो पेज होना ही चाहिए, उसके बाद आता है सर्विसेज। अब कई आपके दिमाग में आएगा कि सर्विसेज की क्या, सर्विसेज मतलब कि जो बिजनेस के लिए आप वेबसाइट डिजाइन कर रहे हो, अपने क्लाइंट के लिए अगर भी अगर आप वेबसाइट डिजाइन कर रहे हो, तो क्लाइंट का बिजनेस क्या है। जैसे अगर उस कोई सर्विसेज दे रहा है तो वहां पे सर्विसेज दिखाएंगे, अगर वो क्लाइंट सर्विसेज ना देगा, कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है तो प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग वहां पे दिखाएंगे, या तो जो भी कुछ और भी चीजें अगर वहां पे जो भी सर्विसेज दे रहा है, कोई भी प्रोडक्ट अपना लॉन्च कर रहा है, तो उस चीज को वहां पे आप दिखाएंगे। ओके, तो गाइस मेरे ख्याल से लेसन टू के लिए इतना ही रखते हैं, और मिलता हूँ आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत।